काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार ना हो वो भी मुर्दा है, वो ही संत है, वो ही विरक्त है, वो ही कषायधारी है। ये उसके उद्देश्य के अनुसार सारे सारे का जीवन कल्याण हो जाता है। सो साडे विचकार होर भी बहुत सारे महापुरश पहुंचे जिन्हां दी मैं हाजरी लवाउणा, जिन्हां नूं मैं समां नहीं दे सकदा, जिहदे विच साडे महाराज मान धर्मदास जी महाराज होने वाले, मान किशोरदास जी महाराज फेमा, साडे श्री मंद श्री गदिया सेवादास जी महाराज कोटफता, मंद अमरधर्म जानी जी महाराज शाह जी साडे विशेष तौर ते जम्मू तों पहुंचे है। सारे महापुरशां दा मैं धन्नवाद करदा ते माफी भी चाहुंदा कि उहनां नूं समां नहीं दे सकदा। तो साडे विचकार मान चरणदास जी महाराज पहुंचे, मैं उन्होंने बेनती करा कि पांच चार मिनट के बाद मेरी साझ पहुंच गए जी। मैं चरणदास जी आदि पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरत संत सर्वत्र इस शरीर जे आराम करता है कि किन्ना सुख है। मैं भी अजे अद्धा घंटा पिया, पांच मिनट मैं भी पै के वेखा की आनंद है। उस दिन जो पई ऐसी कुदरती हवा आई, वाचना बड़ी बड़ी फुलना की आई, उसको नींद आई। नींद में बंदे ने कई बार कितना ही टाइम लंघ जाता पता नहीं लगता, इस स्वाद टाइम हो गया तो नींद में जोर पा लिया, फिर बादशाह आ गया। जब बादशाह तो बादशाह ने देखा भी नौकरानी मेरी सेजा से पई है, उन्हें पांच सात चलो बनता ही है, पर हटना जरा इन पूछे तू हसी क्यों? बादशाह पूछता नौकरानी तू हसी क्यों? वो कहती जी मैं इस करके हसी है, मैं अज पांच दस मिनट सेजा से पी है, मैनू इन्नी मार पई है, जिड़ी रोज बंदे सेजा से सौंदे आ उन्होंने की हाल होगा। बेनती करूँगा कि जो समय की किसी का लिहाज नहीं करता, इस समय की मर्यादा वो जरूरी है जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद महापुरशों का, चंगिया गल्लां दसियां। बिल्कुल जी, बादशाह का बादशाह तो उ है जी ने मन जित लिया, बादशाह का बादशाह तो उही हुंदा जी ने अपने बाहर इंद्रियों से कंट्रोल करके परम पिता परमात्मा नूं पा लिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद महापुरशों का। साडे विचकार होर भी बहुत सारे महापुरश पहुंचे हैं जिन्हां नूं मैं हाजरी अपने वल्लों लवा रहा जी, जिन्हां विच साडे श्री मनमंत कृष्ण मुनि जी महाराज सेखा, मंत शांतिदास जी महाराज त्यों ब्योड़खेड़ी, मंत परपूरदास जी महाराज मनकाणा, मंत राम गोपाल देव जी महाराज सेखपुरा, ते मंत विवेकानंद जी महाराज जशी पौ वाली जो बठिंडे को है, महापुरश पहुंचे है गुरु, मंत भगवान दास जी महाराज तपा पिंडी, मंत मुरारी दास जी महाराज, मंत निर्मल दास जी महाराज लोको, मंत मनमोहन दास जी महाराज तलाचार, मंत हरवंश दास जी महाराज जगह, मंत बेअंत दास जी महाराज मंगवाल को, मंत राम भगदास जी महाराज, मंत वासुदेव जी महाराज वक्तवड़, मंत लक्ष्मण दास जी महाराज राउके, मंत वकील दास जी महाराज मिठड़ी, मंत रामदास जी महाराज डबड़, मंत जीवन मुनि जी महाराज सराय खास, मंत रविंद्र दास जी महाराज अखाड़ा ब्रह्मपुटा अमृतसर, मंत सचदानंद जी महाराज श्री चंदर अमृतसर जो मंदिर है, श्री चंद मंदिर अमृतसर, वो भी विशेष तौर पर पहुंचे। होर भी बहुत सारे महापुरुष जो दूरों नेड़े पहुंचे है, उन्होंने सारे की मैं हाजिरी लगा। सो सजनों बड़ा प्रेम सत्कार बड़े संतों के महापुरुषों के तुम दर्शन कर रहे हो, अजिहा मौका बहुत घट समा मिलता है कि इन्ने महापुरुषों के एक जगह एक थान दर्शन हो जाए। तो महात्मा मुनि जी महाराज को मैं बधाई देना जिन्होंने कुंभ के मेले की तरह यह अपना मेला संतों के नाल भर दिता है। दूरों दूरों कले पंजाब ने जम्मू राजस्थान हरियाणा हरिद्वार सारे स्थानों तो साडे महापुरश पहुंचे है। सो सारे महापुरशों का मैं इस डेरे वालों इस संगत वालों सब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साडे विचकार साडे उदास सिंह पंचायती अखाड़ा वड्डा रमजान जो साडे श्री मान श्री मान महेश्वरदास जी महाराज ने जो अज इस समागम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हों का आदर्शी वचन आप सुना गए, तो उस तो बाद जो अच्छे संत समागम है वो समाप्ति होगी जी। सो मैं बेनती करा श्री मान मत संतोष मुनि जी महाराज रमन जमान उदास पंचायती अखाड़ा वड्डा हरिद्वार। उदासीन के मालक
धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की छतर छाया और साढ़े श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भरमणशील जमात के श्री महंत साहब जी श्रीमान श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज की अध्यक्षता विच परम तपस्वी योगीराज परम संत संत बाबा चरणदास जी महाराज के पवित्र तप स्थान पर आज असी अपने चार महापुरखों की पुन सिमरती सलाना याद मना रहे हाँ। धन धन संत बाबा हरनाम दास जी महाराज संत बाबा जोगिंद्र मुनि जी महाराज राम आसरे जी संत बाबा शांति दास जी महाराज और संत बाबा प्रकाश मुनि जी महाराज इन्हां चार ही महापुरखों की सालाना बरसी असीं मना रहे हाँ। ज्यादा उन्हां दी मनाईयां जांदियां ने जिन्हां ने समाज वास्ते कुछ कीता हुंदा है जिन्हां ने समाज नूं कोई देण हुंदी है। वैसे तो ऐसे महापुरश गुरबाणी का फुरमान है कि जन्म मरण दोहो मह नाही जन पर उपकारी आए जीए दान ते भगती लाए न हरस्यों लैन मिलाए। ऐसे महापुरश जन्म और मरण के चक्कर में जन्म और मरण के गेट में नहीं होंगे वो तो साढ़े उपर परोपकार करने वास्ते आते हैं। परोपकार करके जो अकाल पुरख भगवान वालों उन्हों की ड्यूटी लगाई होंगी है उसको पूर्ण करते हुए अपना पंच भौतिक शरीर त्याग के अपने इष्ट के चरणों में जा बराजते हैं और हमेशा वास्ते साडे उपर उन्हों का परोपकार ऐसे तरह निरंतर ही चलता रहता है। ये भी उन्होंने महापुरखों की तपस्या का ही फल है। अज असी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की छतर छाया इन्हां तपस्वी महापुरखों के दर्शन कर रहे हाँ सतसंगत हरी जस सरवण कर रहे हाँ। गुरबाणी का फुरमान है कि पूर्व जन्म अंकुर जब प्रगटे भेटे पुरख रसक पै लागी कि इस जीव के पूर्वले समय विच जां पूर्वले जन्मों विच कीते हुए चंगे कर्म जदों उदय होंदे हन प्रफुल्लत होंदे ने तां जीव नूं ऐसा समा प्राप्त होंदा है जैसा हुण सानूं हो रहा है। बाबा तुलसीदास जी रामायण विच फुरमान करदे ने कि संत समागम हरी कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुतदारा अते लक्ष्मी पापी ग्रह भी होए। संतां दा समागम अते हरी दी कथा बहुत ही उत्तम कर्मां नाल प्राप्त होंदी है। भगवान कृपा करे साडे उपर ऐसे ही उस अकाल पुरख की भगवान की कृपा बनी रहे सानू परम तपस्वी महापुरखों के दर्शन हरी जस की प्राप्ति होंदी रहे। इतनी ही बेनती करता होया मैं अपनी बाणी में विराम देता हाँ। बोल जगत गुरु श्री चंद्र महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। साडे बहुत ही सत्कारयोग श्रीमान मान संतोष मुनि जी महाराज जो बॉम्बे तो विशेष तौर पर क्योंकि जमात जो उदासीन पंचायती अखाड़े की रमत जमात है इस मौके मुंबई है उतों विशेष तौर पर महात महात्म मुनि के प्रेम साधक इस स्थान के नाल जो उन्होंने लगन है प्रेम है वो सदक और बॉम्बे तो विशेष तौर पर पहुंचे। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता जी। तो ही साढ़े बहुत ही सत्कार जो मेरे छोटे गुरु भाई महंत अमृत मुनि जी महाराज डेरा बाबा भाई गुरदास मान साहब जिन्हों का इस समागम के समाग संतान बुला सारे समाग की रूपरेखा के बहुत बड़ा सहयोग है। मैं उन्होंने ही महात्म मुनि जी वालों उन्होंने गुरु भाई योग मुनि जी कोहाली वाला वालों के समूह संगत वालों उन्हों का भी धन्यवाद तो नाल ही उन्होंने रमेश मुनि जी महाराज त्रिवंडी साहब मौत उन्होंने ही धन्यवाद विशेष तौर पर उन्होंने करते हैं। सो बहुत ही सत्कारयोग साढ़े विचार साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्रीमान महंत महेश्वर दास जी महाराज वासन पंचायती खड़ा वड्डा जो कि उजैन उजैन तो क्योंकि इस साल अप्रैल
जो कुंभ का मेला भरन जा रहा सज्जनों उसकी जी सारी व्यवस्था वो साडे सत्कारयोग श्री मान मान महेश्वर दास जी के कोल आ ते उन्होंने संगत के वास्ते बहुत बड़ा जो काम है उत्थे आरंभिया होया है क्योंकि अंदाजा लग रहा है कि तकरीबन 4 करोड़ के लगभग उत्थे संगत ने कुंभ का स्नान करने वास्ते पहुंचना तो उतों देखो सारे काम छड़दे हुए सारे कामों संकोचते हुए उतों चल के कल सुबह 6-7 बजे चले इतने साढ़े को परसों के चले कल मानसा पहुंचे कल फिर उतों चल के शाम इतने पहुंचे महापुरश के प्रेम के सदका जो सजनों वो विशेष तौर पर साढ़े पहुंचे जिते उन्होंने चरण साढ़े विचकार पे है उन्हों का आशीर्वाद सानू मिले मैं अपने वालों तो अपने गुरु भाई महात्मा मुनि जी वालों तो सारे संत समाज संगत वालों उन्होंने विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद करता कि उन्होंने अपने कामों संकोच दे सारे जो व्यवस्था छड़ते हुए साढ़े विचकार पहुंचे दर्शन दारे पहुंचे कर अपन दर्शन दारे करा रहे हैं सो अज की जी समागम के मुख अध्यक्ष भी ने सो उन्होंने मैं बेनती करा कि उन्होंने वचन आप सारे संगत ने एकाग्र होकर सुनियो बिल्कुल एक मन एक चित हो के किसी ने भी इधर उधर नहीं तुरना फिरना क्योंकि साडे महापुरश बड़ी दूरों विशेष तौर पर तुहाडे विच पहुंचे है उन्होंने एक एक अनमोल वचन सुनने वाला सज्जनों क्योंकि वह कले साडे उदासन पंचायती खाड़े के माते नहीं जेकर उनके ज्ञान की गल करिए रामायण भागवत कोई भी अजिहा ग्रंथ नहीं जिन्होंने उन्होंने कथा या वाक प्रवचन ना किए हो एक होर मैं ता कई बार दस दिंदा कि महाराज जी कि मैं ता हुण इह संकल्प कीता कि एक बार बैठ के पूरे चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्या देहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः श्री चंद्र देवम शिवमाद्वितीयम भस्मावृतम सततो प्रवरणम पद्मार्दनातं सुखदान्मुनीन्द्रं वाक्काय चित्तये सततं भजेऽहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। इस पवित्र पावन पेड़ा में पिंड में स्थित परम सिद्ध साधक संत चरणदास जी महाराज के इस पवित्र पावन डेरे में समाधि के रूप में विराजमान हमारे परम सिद्ध साधक संत चरणदास जी महाराज व उनके अनुयायी विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में बारंबार मत्था टेकते हुए नमन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे पूज्य भेष भगवान के सभी सम्माननीय श्री महंत साहिबान स्थानीय महंत मुकामीगण निर्वाण मंडल संत समागम यहाँ पर हमारे महापुरुषों के मुखार में से आप लोगों ने सत्संग सुना संत वाणी का श्रवण किया। 3 बातें मुख्य रूप से हमारे महापुरुषों ने आप लोगों को बताई। लगभग हमारे पूरे भारत में दुनिया में जहाँ कहीं भी भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं हम लोग अपने महापुरुषों का जन्म दिहाड़ा मनाते हैं निर्वाण दिवस मनाते हैं जिसे हम वर्षी कहते हैं गुरु पर्व कहते हैं अनेक रूपों में अनेक तरह से हम लोग अपने महापुरुषों का दिन मनाया करते हैं। क्यों मनाते हैं ये महापुरुषों की समाधियों पर महापुरुषों की सब लोगों के नाम हमको क्यों याद नहीं है
खाली कुछ राम जी और उनसे जुड़े हुए कुछ पात्रों के नाम हम लोग जानते हैं, बाकी लोगों के नाम तो हम नहीं जानते। तो जिन लोगों ने मानवता के लिए कुछ काम किया, मानव जीवन की रक्षा के लिए कुछ काम किया, भलाई के कुछ काम किए, जो खुद के लिए जिए और खुद के लिए मर गए, उनको कोई नहीं याद करता। अपने भी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में जाके भूल जाते हैं, फोटो भी जो कहीं गायब हो जाता है। और जो दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए मर जाते हैं, वो लोगों के हृदय में नाम उनका लिख जाता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी आज छोटा सा बच्चा भी जन्म लेता है तो उसे ये पता होता है कि हमारे देश में कभी राम हुए थे, कभी गुरु गोविंद सिंह जी हुए थे। उनको याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सब वो अपने आप उनको याद हो जाते हैं। क्यों? ये उन्होंने नेकी के काम किए, भलाई के काम किए। तो नाम उन लोगों का रहता है जो नाम की कमाई करते हैं, जो लोगों के लिए मरते हैं और लोगों के लिए ही जीते हैं, नाम उन्हीं का। और उन्हीं को हमारे यहाँ देवता कहा गया है। शब्दों को ठीक अर्थ में जब तक हम नहीं समझे, देवता हमारे यहाँ किसे कहते हैं? अब देवता शब्द से लोग कुछ और अर्थ लगा लेते, कहते हैं कैसा देश है ये जिसमें 33 करोड़ देवता, किसे पूजे किसे छोड़े। अरे ये वो जिसका कोई भी अनुसरण कर सके उसे हम संत कहते हैं। एक ऐसा मॉडल जिसे देख करके कोई भी व्यक्ति जो है अपना जो है उसको आदर्श बना सके उसे हम संत कहते हैं। और यही संत की एक परिभाषा है। कबीरदास जी कहते हैं ना, एक दो शब्दों में कबीरदास जी ने बात को सिरे लगा दिया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सा गली, जा में दोई न समाए। जब तक मैं कबीरदास था तो मैं राम राम पुकारता फिरता था और राम कहीं लगता नहीं था। अब स्थिति उल्टी हो गई है, अब कबीर संत हो गया है और कबीर राममय हो गया है। अब जो है राम कबीर कबीर पुकारता है, लेकिन कबीर तो रहा ही नहीं, क्योंकि कबीर तो संत हो गया है। और संत होते ही स्थिति पलट जाती है, अब फिर वो राम जो है कबीर को खोज रहा है, लेकिन कबीर रहा ही नहीं तो बोले कौन। तो ये स्थिति जब आ जाए तो समझ लीजिए कि पूर्ण हो गया। तो ऐसे ही हमारे ये दिव्य आत्मा संत थे, इसीलिए सैकड़ों वर्ष से उनकी पूजा हो रही है, सैकड़ों वर्ष से उनकी जय जयकार हो रही है और हजारों वर्ष से उनके जोड़ मेले लग रहे हैं। और संतों की इसीलिए संतों की जो है समाधियों पर हमेशा जोड़ मेले लगते रहते हैं। इसका कारण यही है कि पिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिन्होंने अपने आप को मिटाया वो दुनिया के हो गए, और जो अपने आप को नहीं मिटा सके वो दुनिया के कभी नहीं हो। दूसरी बात यह है कि नाम की महिमा। तो नाम तो देखिए वाणी पूरी हमारी नाम से ही भरी है, और नाम की महिमा इतनी है कि इसका जितना बखान करें उतना कम है। और नाम की महिमा तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि एक शब्द में मैं आपको बताऊं कि भगवान राम एक जब पुल बन रहा था ना, पुल लंका पर, लंका पर जाने के लिए पुल बन रहा था पुल, तो नल नील कुछ नहीं करते थे, राम लिख करके पत्थर छोड़ते थे वो तैरने लगता था। वानर पत्थर लेकर के आ रहे थे और नल नील जो शिल्पी थे इंजीनियर वो उस पर राम लिखते थे और पत्थर छोड़ते जा रहे थे, यानी सेट करते जा रहे थे, वो तैरने लगते थे। राम नील ने देखा कि मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि राम लिखते ही पत्थर तैरने लगते हैं, तो मुझ में कितनी होगी, मैं जरा अपना जांच करके देखूं। तो एक पत्थर उन्होंने उठाया, बोले यहाँ इतनी कीड़े के यहाँ छोड़ा मैंने और डूब गया तो अपमान हो जाएगा, सब लोग हंसी उड़ाए, विकास किया, एक सवा साल पहले मैं आया था तेरे का विकास। आश्रम का, आश्रम किसे कहते हैं? डेरा, जिसका हम नाम ले रहे हैं, डेरा और आश्रम एक ही गल है। आश्रम उसे कहते हैं जहाँ आने से संगत का श्रम यानी चिंता दूर हो जाए, उसे आश्रम कहते हैं।
डेरे का भी यही मतलब है कि डेरा जहाँ आने से बंदे को विश्राम मिले यानी शांति मिले, उसे डेरा कहते हैं कि भाई डेरे में पहुँच गए यानी शांति मिले है। तो जहाँ आने पर जीव को शांति मिले उसे डेरा कहते हैं या आश्रम कहते हैं। तो वो कब मिलेगी? जब आध्यात्मिक विकास हो। तो जहाँ तक है भौतिक विकास तो आश्रम डेरे गुरुद्वारे इनका होना ही चाहिए, नाली नाल आध्यात्मिक विकास की हो निरंतर, तभी जो है समाज की वास्तविक उन्नति होगी और राष्ट्र की भी वास्तविक उन्नति होगी। और ये दोनों चीज़ें लेकर के जब हम चलेंगे तो आज जो समाज की ज्वलंत समस्या हैं कन्या भ्रूण हत्या दहेज प्रथा नशे की प्रवृत्ति, इन सबसे अगर समाज को मुक्त करना है तो ये हमारे गुरु घर हैं, आश्रम हैं, डेरे हैं, इन सब का जितना ज़्यादा आध्यात्मिक विकास होगा और युवा पीढ़ी इनसे जुड़ेगी तो निश्चित ही हम लोग इन सारी बुराइयों से मुक्त एक अच्छा और मजबूत समाज बनाने में समर्थ होंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। और महात्मा मुनि जी और हमारे ये दोनों गुरु भाई जो दोनों डेरों को चला रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। गुरु महाराज इनको शक्ति दे और निरंतर भेष भगवान के साथ जुड़ करके और संगत को प्यार बांटते हुए ये अपने जीवन में उन्नति करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम दशरथ, हरिओम दशरथ, वाहेगुरु सतनाम। भरपूर ज्ञान अपन उदाहरण दे के दसा कि जिन्हों परमात्मा जिन्हों राम ही छड़ दे उन्होंने बचाने वाला कौन है। सो भाई जिन्ना हो सके उस परम पिता परमात्मा की शरण चले को सिमरन भजन बंदगी करिए ही सुखी होवांगे, क्योंकि सिमरन भजन बंदगी करने वाले इंसान ना उन्होंने कदम दुख आ ना तकलीफ आता ना कष्ट आता। सो ज्यादा तो ज्यादा सिमरन भजन कराया करो। सो बहुत ही धन्यवाद है महापुरशों का कि जो साडा अज का यह समागम है यदि युग कवरेज साडे गौरव करके दूरदर्शन जलंधर डी पंजाबी को विशेष तौर पर पहुंचे हुए है वो सारे दे कवरेज कर रहे हैं, जिड़ा कि सन 2 फरवरी रात 8:35 द्वारा साडा समागम है ये जलंधर दूरदर्शन से विखाया जाना है। और अगले दिन 3 फरवरी 10:35 सवेरे द्वारा फिर रिपीट होना है। सो 2 फरवरी 8:35 शाम को 3 फरवरी 10:35 समागम है जलंधर दूरदर्शन से, जो साडे गौरव गर्ग जी इसते जो इन कवरेज कर रहे हो द्वारा इसमें दिखाएंगे। सो अज बहुत ही साथ मैं इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता। सो साडे बिट्टू प्रधान जी खीरे वाले वो भी बहुत सेवा करते हैं परसों चौथे तो लैके उन्होंने इन्हें साडे वालों अपने वालों उन्हों का भी धन्यवाद। समूह सेवक मंडली का जिन्हें भी आया उन्हों का धन्यवाद करने लिए, महापुरशों का धन्यवाद करने लिए सिर्फ 2 मिनट जो महात्मा मुनि जी महाराज साढ़े इस स्थान के गतिशील ने उन्होंने मैं बेनती करा कि वो सारे संगत का महापुरशों का धन्यवाद करेंगे। उस तो उपरंत जो साढ़े ज्ञानी जगशीर सिंह जी कथावाचक गुरुद्वारा बाबा हस्तनाम साहिब खीरा वाले वो आए हैं, उस तो बाद उन्होंने कीर्तन वो जो साडे हुक्मनामे के विचार से अपना कीर्तन कथा करेंगे जी। तो मैं बेनती करूँगा महंत महात्मा मुनि जी महाराज के उन्होंने गुरु भाई योग मुनि जी उन्होंने दोनों द्वारा कि वो महात्मा मुनि जी दोनों अपने गुरु भाई के अपने वालों सारी संगत का सारे महापुरुष का धन्यवाद करेंगे जी। उस तो बाद इस समागम की समाप्ति होगी। पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की हजूरी विच जुड़ बैठी आप गुरु रूप साध संगत जी गुरफते की सांझ पाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास ना तो कोई विद्वान है अते ना ही कोई कथावाचक, आप सरबत साध संगत के चरणों की धूड़ हाँ, इन्हां महापुरशों के चरणों की धूड़ हाँ। तप स्थान डेरा बाबा जन्मदास जी विखे दूरों नेड़ों पहुंचे
सब महापुरुष सारे महात संत अभ्यागत टीचर निर्माण सभा साहब संगत मैं तहे दिल से जीओ आया धन्यवाद करता हाँ। सबों प्रथम मैं धन्यवाद करता हाँ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज जी का जिन्हों की अपार कृपा सदका दास यह जन्म करने का काबुल होया। आप सभा संगत का बहुत बहुत जीओ आया डेरे सेवादार का सरबत माइया बीबिया गुरमुख प्यारे जिन्होंने भी डेरे की इस त्रास सेवा में दास का सहयोग दिता एरिए महापुरुष धन एरिए महापुरुश संत बाबा दीप सिंह जी संत बाबा दया सिंह जी संत बाबा दलीप सिंह जी संत बाबा दलीप सिंह जी सीतेवाल जिन्होंने दास को हर पक्षों सहयोग दिता समूह दासी भेट ने दास इस काबुल समझिया अते इस डेरे प्रति अपने यही बाणी तो मैं आपनी बाणी तो यही महाराज के चरणों में बेनती कर रहा हाँ कि आप सरबत संगत इस तरह ही इन्हां गुरु स्थानां ते इन्हां स्थानां ते हाजरी भरते रहो संतां महापुरशां दे दर्शन करते रहो। इन्हां नूं कहिंदा होया मैं अपनी बाणी नूं विराम दिंदा हाँ सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरुष इस जगह से आए जिन्होंने आप प्रवचन शरण लगाए हैं इन्होंने ही गुरुद्वारा बाबा वीर सिंह जी नरगढ़ साहब जी श्री दमदमा साहब के मुख्य योगदार संत बाबा गुरचरण सिंह जी गुरुद्वारा नारायण सर साहिब के मुख्य सेवादार संत बाबा शमशेर सिंह जी भगवान श्री चंद्र की संपर्दा वंश के महापुरुख भाई हाजी के डेरा हुसैन के मुख्य